વેલકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમાંતર શ્રેણી સમાંતર સિરીજ કક્ષા 10 કા ગણિત કા એક ચેપ્ટર હૈ ઉસકે બારે મેં અભ્યાસ કરેંગે ઓર ઉસમે એક પોઈન્ટ આપા હૈ ફિનોબાર્ગ કી સિરીજ. ઇટાલિયન ગણિતશાસ્ત્રી ફિનોબાર્ગ થે ઓર ઉસને અભ્યાસ કરકે હમે બતાયા કે રોમન અંક સે હિન્દુ એરેબિક અંક સરળ હૈ. ઉસકા પૂરા નામ થા લિયોનાર્દો ફિનોબાર્ગ. ઉસકા જન્મ 13वीं सदी में हुआ था. उसने प्राकृतिक चीज़ें सूरजमुखी के फूल और पाइनएप्पल का अभ्यास किया और बताया कि सूरजमुखी के फूल में पंखुड़ियाँ किस तरह की पैटर्न किस तरह की रचना होती है. तो फिनोबाग ने हमें बताया कि सूरजमुखी में अगले दो अंक को मिला के तीसरा अंक हमें मिलता है. इससे सीरीज दी हमने 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. तो याद देख सकते हैं हम कि एक और एक को मिला के दो बनता है, फिर एक और दो को मिला के तीन, फिर दो और तीन मिला के पाँच, फिर तीन और पाँच से आठ, पाँच और आठ से तेरह, और तेरह और आठ को मिला के आगे हम अभ्यास कर सकते हैं. फिनोबाग ने इसके बाद खरगोश का एक हमें एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि मान लो कि एक खरगोश की एक जोड़ी है, वो उसका जन्म होने के एक मास के बाद वो पुख्त होते हैं, और पुख्त होते हैं तब फिर से वो एक नर और मादा को जन्म देते हैं. तो दो साल के बाद, पाँच साल के बाद, तीन साल के बाद कितने खरगोश होते हैं इसकी हम गणना करेंगे. तो देखते हैं किस तरह उसने एग्जाम्पल दिया था और उसको हम समझते हैं. फिनोबाग की श्रेणी में लियोनार्डो के मत के अनुसार मान लो कि खरगोश है और खरगोश का जन्म हुआ है, और एक मास के बाद क्या होता है, एक मास के बाद वो पुख्त होता है, और पुख्त होने के एक मास के बाद एक जोड़ी को जन्म देता है. तो यहाँ अलग अलग कलर से हम अभ्यास करेंगे. तो एक मास के बाद क्या होता है, यहाँ एक और खरगोश जोड़ी को जन्म दिया, और फिर क्या होता है, एक मास के बाद ये जोड़ी है वो पुख्त होगी, और ये पुराना खरगोश है वो फिर से एक जोड़ी को जन्म देते हैं. तो कुल इस तरह बन जाते हैं तीन जोड़ी. फिर अगले मास क्या होता है कि जो पुराना खरगोश है वो तो फिर से एक और जोड़ी को जन्म देगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो साल हो गए, पुख्त हो गया है, तो एक खुद ए खुद है और एक और जोड़ी को जन्म देगा. यहाँ पर अलग कलर से हम दिखाते हैं, और यहाँ पे जन्म दिया है, और फिर देखते हैं कि वो ग्रीन वाला खरगोश है वो अभी क्या होगा, पुख्त होगा. तो इस श्रेणी में हम देख सकते हैं कि पहले क्या था, पहले एक, दूसरे मास की शुरुआत में एक था, तीसरे मास की शुरुआत में क्या हो गया, एक और एक दो, और फिर चौथे मास की शुरुआत में एक और दो तीन, फिर आगे देखते हैं पांचवें मास की शुरुआत में तो एक दो तीन चार और पाँच, यहाँ दो और तीन पाँच. तो ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है, और इस तरह फिनोबाग का अभ्यास हमने किया, और ये अभ्यास कहीं स्पर्धात्मक एग्जाम्पल में भी पूछे जाते हैं, स्पर्धात्मक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं. तो आगे हम एक त्रिकोणीय श्रेणी का अभ्यास करेंगे. तब तक वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. जय श्री कृष्ण.